अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। दोस्तों, आप में से कई लोग यूट्यूबर होंगे और कई लोग तो मेरे तरह भी यूट्यूबर होंगे। मेरे तरह यूट्यूबर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वह कैमरा को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन से ही वीडियोग्राफी को शुरुआत कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए कुछ ऐसे टूल्स लेकर के आया हूँ कि उनके स्मार्टफोन के वीडियोग्राफी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर सकती है और भी अच्छे बना सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ स्मार्टफोन के टूल्स के बारे में जो आप एक्सटर्नली बाई कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से, और उसके बाद आपके स्मार्टफोन की वीडियोग्राफी में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन टूल्स के बारे में। दोस्तों, जो सबसे पहले टूल है किसी भी यूट्यूबर के लिए, चाहे उसके पास फ़ोन हो या फिर कैमरा हो, तो वो है दोस्तों ट्राईपॉड। एक ट्राईपॉड का होना बेहद ही ज़रूरी है अगर आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो शूट करेंगे तो ट्राईपॉड के ज़रिए आप काफ़ी अच्छे वीडियोज़ को जो है ले पाएंगे, वरना दोस्तों बिना ट्राईपॉड के आप उतने अच्छे वीडियोज़ नहीं ले पाएंगे। तो आपको एक ट्राईपॉड लेना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ट्राईपॉड पर आप आराम से माउंट कर सकते हैं चाहे आपका कैमरा हो या फ़ोन हो, और उसके बाद आप हैंड्स फ्री होकर के उस वीडियो को शॉट कर सकते हैं। वरना दोस्तों सिर्फ सेल्फी से वीडियो बनाना ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आप सिर्फ सेल्फी से वीडियो बनाएं। एक ट्राईपॉड ले लीजिए, और अगर आप फोन के लिए ट्राईपॉड ले रहे हैं तो आप 600 से 700 रुपए में एक आपको अच्छा ट्राईपॉड आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ ट्राईपॉड लेंगे तो उसके बाद आप अपने फ़ोन को माउंट नहीं कर पाएंगे। तो फ़ोन को कैसे माउंट करना है, तो फ़ोन को माउंट करने के लिए आपको एक फ़ोन होल्डर चाहिए होगा जो कि ट्राईपॉड को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, आपको एक फ़ोन होल्डर भी ख़रीदना होगा। तो कुछ इस तरह की आपको फ़ोन होल्डर आती है दोस्तों, जो कि 150 से 200 रुपये में मिल जाती है, या फिर उससे भी कम दामों में अगर आपके पास लोकल स्टोर कोई अच्छा है तो मिल जाएगी। और आप इसे अपने ट्राईपॉड पर ऐसे कुछ इस तरह से होल्ड कर सकते हैं, ट्राईपॉड पर कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप इस फ़ोन होल्डर में अपने फ़ोन को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं, जिसके बाद आपका ट्राईपॉड बिल्कुल ही यूजेबल हो जाएगा आपके फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये रही दोस्तों फ़ोन होल्डर, और इसमें मैंने लगा दिया यह फ़ोन। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बात कि चाहे कितना भी अच्छा कैमरा हो, बिना एक्सटर्नल लाइट के आपके शॉट्स जो है बहुत ही अच्छे नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको अलग से LED लाइट या फिर हैलोजन लाइट लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप हैलोजन लाइट लेंगे तो 500 रुपये के आसपास आ जाएगा, लेकिन LED लाइट लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी लाइट मिल जाएगी। यह है दोस्तों DJI Pro की लाइट, जो कि मैंने ली है 2500 रुपये में, और इसके साथ मुझे ये बैटरी और इसका चार्जर भी साथ में मिलता है। दोस्तों, ये लाइट काफ़ी अच्छी है, इसमें हमें 378 LED लाइट्स मिल जाते हैं, और इसमें दोस्तों दो तरह के अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं। एक दोस्तों अगर आप लिफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है हमें कुछ बटन्स, इससे दोस्तों हम येलो लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इससे हम लोग व्हाइट लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इससे दोस्तों ऑन ऑफ कर सकते हैं। यह बैटरी दोस्तों कुछ इस तरह की लग जाती है। लेकिन दोस्तों इसी तरह का बहुत सारा लाइट भी आता है, 1500 रुपए में भी आता है, 1000 रुपए में भी आता है, और अलग अलग लाइट्स के दोस्तों अलग अलग प्राइसेस हैं और उनमें अलग अलग फीचर्स हैं। तो यह जो लाइट है दोस्तों, ये काफी ब्राइट लाइट है। अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ से येलो लाइट को बढ़ाता हूँ और अब मैं व्हाइट लाइट को कम करता हूँ, तो इस तरह से दोस्तों हमें कुछ अलग अलग लाइट्स मिल जाते हैं। तो ये लाइट बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कभी भी वीडियो शॉट कर रहे हैं, तो ये लाइट्स बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना लाइट्स के आपके शॉट्स जो है अच्छे नहीं आएंगे, और अगर आपकी लाइट्स अच्छी होगी तो शॉट्स भी बेहद ही अच्छे आएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आप ये लाइट ले रहे हैं तो आपको इसे रखने के लिए भी तो जगह चाहिए, वरना दोस्तों आप इसे माउंट कहाँ करेंगे। तो आपको इन लाइट्स में दोस्तों माउंटर भी मिलता है, जिससे आप ट्राईपॉड पर माउंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, जहाँ पर मैंने यह लगाया हुआ है वहीं पर इसे लाइट को मैं माउंट कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक ट्राईपॉड पर एक ही चीज़ माउंट हो सकती है, तो फिर लाइट को कहां माउंट करेंगे अगर हम लोग कैमरा को माउंट करेंगे। तो उसके लिए भी एक अलग टूल आती है दोस्तों, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस टूल के बारे में। ये है दोस्तों वो टूल जो कि मैं कहूंगा एक लाइफ सेवर टूल है, जो कि अगर आप स्मार्टफोन से वीडियोग्राफी करते हैं, यह टूल आपको लेना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको इसमें तीन अलग अलग माउंट्स मिलते हैं, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, और एक यहाँ मिलता है, जहाँ पे दोस्तों आप कैमराज वगैरह को माउंट कर सकते हैं या फिर लाइट्स को माउंट कर सकते हैं, और नीचे में दोस्तों एक स्क्रू होल मिलता है जिससे आप ट्राईपॉड पर माउंट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग इसे ट्राईपॉड पर माउंट करते हैं, और मैं बताता हूँ कि आखिर यह काम कैसे करेगा और किस तरह से आप लाइट्स को और फ़ोन को एक साथ माउंट कर सकते हैं इसे ट्राईपॉड पर। ये दोस्तों मैंने निकाल दिया फोन का होल्डर, और उसके बाद दोस्तों इसे मैंने यहां पे रख करके मैं कुछ इस तरह से गोल गोल घुमा करके इसे ट्राईपॉड के ऊपर माउंट कर दूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह जो टूल है यह ट्राईपॉड पे माउंट हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें हमें तीन अलग अलग होल्डर्स मिलते हैं, और आप इन होल्डर्स के जरिए दोस्तों आप अलग अलग चीज़ों को माउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चाहे तो लाइट लगा सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप कुछ और लगा सकते हैं जैसे माइक्रोफोन हो गया, और यहाँ पर आप चाहे तो अपने फ़ोन्स वगैरह को लगा सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरह से लगाना है, क्योंकि दोस्तों आपका जो होल्डर है उसमें तो गोल वाली दी हुई, और इसमें आपको कुछ इस तरह की ब्रैकेट मिल जाती है, तो आपको इस ब्रैकेट में किस तरह से लगाना है दोस्तों। तो इसके लिए भी एक अलग टूल होता है जिसका नाम है दोस्तों हम लोग
स्क्रू कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह की स्क्रूज आती है दोस्तों, जिससे आप होल्ड कर सकते हैं, जिससे आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस स्क्रू को हमें कुछ मिल जाता है दोस्तों 150-200 रुपए में, या फिर लोकल मार्केट में 50-60 रुपए में भी ये स्क्रूज मिल जाते हैं। तो इन्हें दोस्तों आपको बस इन ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर देना है, इस टूल के ऊपर दोस्तों माउंट कर देना है, इस ब्रैकेट के ऊपर माउंट कर देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये चली जाएगी और मैं इसे यहाँ पे माउंट कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों मैंने इसे यहाँ पे माउंट कर दिया। दोस्तों ये है मेरे लाइट की माउंट, तो मैं इसे यहाँ पे माउंट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से यह माउंट हो जाएगी और फिर मैं इसे लॉक कर दूंगा। और फिर नीचे भी है, जैसे कि मान लीजिए अभी तो मेरे पास फिलहाल एक्सटर्नल माइक्रोफोन वैसा नहीं है जिसे मैं इस पे माउंट कर पाऊँ, तो फिलहाल मैं ऐसे ही लगा करके आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि अगर आपको बीच में माइक्रोफोन को माउंट करना है तो कुछ इस तरह से माउंट कर सकते हैं। और ये हो गई दोस्तों तीनों माउंट्स, तीनों स्क्रूज लग गई। अब आप चाहे दोस्तों तो इस पे आपने कर दिया फ़ोन को माउंट, उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे अपने लाइट को माउंट। वैसे मैं एक हाथ से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह की मैं कर रहा हूँ, वरना मैं दोनों हाथों से काफ़ी आराम से माउंट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों हो गई लाइट फ़ोन माउंटेड। चाहो तो यहाँ पे माइक्रोफोन या फिर कुछ भी माउंट करना है, या फिर दोस्तों अगर आपको इधर घुमाना है लाइट को भी इधर घुमाना है तो वो सब भी आप काम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है माउंट्स करके आप आसानी से जो है वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह से आपने रख लिया, तो ये जो चीज़ है दोस्तों ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, और इस तरह से दोस्तों काफ़ी आसान हो जाता है। वरना हमें सोचना पड़ता है कि लाइट को कहाँ रखूँ, सोचना पड़ता है कि फ़ोन को कहाँ रखूँ, कैसे मैं वीडियो को शॉर्ट करूँ। तो ये सब चीज़ें जो है सोचना नहीं पड़ेगा अगर आप ये सब चीज़ें ले लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रू ले लेते हैं, यहाँ पर आप माउंट्स ले लेते हैं, यहाँ पर आप दोस्तों ट्राईपॉड ले लेते हैं, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। फ्रंट कैमरा से मान लीजिए वीडियो बनाना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लाइट्स को ऑन कर दूंगा और कुछ इस तरह से दोस्तों लाइट को ऑन करके मैं रोशनी बढ़ाऊँगा, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों तेज रोशनी मुझे मिलेगी और काफी अच्छी जो है वीडियो क्वालिटी भी आएगी फ्रंट कैमरा से भी। तो आप मेरे अक्सर जो वीडियोस देखते हैं वो फ्रंट कैमरा से ही बनी होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूबर हैं और आपके पास कोई बढ़िया माइक्रोफोन नहीं है तो ये बेहद ही बुरी चीज़ है दोस्तों। मैं अभी इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और अभी मैं इसी माइक्रोफोन का वीडियो भी ले रहा हूं, और दोस्तों आप साउंड क्वालिटी सुन सकते हैं कि मेरी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह जो माइक्रोफोन है सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये का माइक्रोफोन है, जो कि अमेजन पर अवेलेबल है, लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और शुरुआती दिन के लिए दोस्तों आप ये माइक्रोफोन को ले सकते हैं क्योंकि ये बेहद ही अच्छी माइक्रोफोन है दोस्तों। इससे साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है और इसका कवर जो है वो थोड़ा सा उड़ गया, क्योंकि वो काफी ज्यादा लूज कवर था दोस्तों, ऊपर में ब्लैक कलर की कवर थी वो उड़ गया है, जो कि आप रिव्यू वीडियो में आप मेरे देख सकते हैं दोस्तों। एक आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा हो या ना हो, आपकी साउंड क्वालिटी और लाइटनिंग अच्छी हो, तो आपका वीडियो जो है वो काफी अच्छा हो सकता है दोस्तों। मैं कहूंगा अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप ग्रीन स्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और आप अपने फ़ोन से ही ग्रीन स्क्रीन के वीडियोस बना सकते हैं दोस्तों। ये पर्दा जैसा चीज़, यानी कि सिर्फ ये कपड़ा है दोस्तों और कुछ नहीं है। तो ये ग्रीन कलर का क्लॉथ दोस्तों आपको 200-300-400 रुपये में मिल जाएगी। मैंने फिलहाल इसे 300 रुपये में दिया है दोस्तों, और ये भी जो ब्लैक कलर का क्लॉथ है ये भी 300 रुपये में लिया है। तो ब्लैक मैंने लिया है टेबल पर बिछाने के लिए, और ग्रीन मैंने लिया है बैकग्राउंड में लगाने के लिए। और दोस्तों ग्रीन कलर की ही मदद से मैं बैकग्राउंड्स को चेंज कर पाता हूँ। अगर आप मेरे कुछ वीडियोज़ देखेंगे जो एक्सप्लेन वीडियोज़ मैंने किए हैं, जिसमें दोस्तों मैंने अपने बैकग्राउंड को चेंज किया है, तो ग्रीन कलर की मदद से ही किया। और दोस्तों एडिटिंग भी फोन पे की है कीने मास्टर के मदद से। दोस्तों कीने मास्टर से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं अगर आप बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का पर्दा लगाए हुए हैं। तो दोस्तों ये 300 रुपए की चीज आपको बेहद ही अच्छी टूल है दोस्तों। मैं कहूंगा ये सिर्फ कपड़ा नहीं दोस्तों, ये यूट्यूबर के लिए एक बेहद ही अच्छी टूल है अगर आपको वीडियोज को काफी अच्छा लगाना है बनाने में। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी वीडियोज मैंने बनाए हैं ग्रीन स्क्रीन वाले, वो वीडियोज दोस्तों मैंने फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल से रिकॉर्ड किया है रेडमी नोट 4 से दोस्तों। फिर भी आप देखेंगे तो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी आई है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके बैकग्राउंड मूव करते रहेगी तो आपकी फ्रंट जो है काफी ज्यादा शार्प लगेगी देखने में। तो इसलिए दोस्तों वह जो है काफी अच्छी लगती है देखने में, जबकि उसमें ना ही मैंने कोई जबरदस्त एडिटर का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने जबरदस्त कैमरा का इस्तेमाल किया है। बस फ्रंट 5 मेगापिक्सल से रिकॉर्ड किया है और इन सब लाइट्स का मदद लिया है दोस्तों, काफी अच्छा ब्राइट लाइट्स का मदद लिया है, एलईडी लाइट का, इन सब टूल्स का मदद लिया है, और अच्छा माइक्रोफोन का मदद लिया है दोस्तों। और उसके बाद से हमारी जो वीडियो है वो काफी अच्छी बनी है दोस्तों। मैं हूं शाहरुख और मुझे आज आप लोगों को बताना था कुछ टूल्स के बारे में जो कि काफी अच्छी साबित हो सकती है अगर आप अपने स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। चलो लाइट बुझा देता हूँ।